रियल है भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई फैन। हेलो जॉनी भाई, बिग फैन। अरे रियल है, रियल है, रियल जोनाथन है भाई। बिग फैन ब्रो, बिग फैन, बिग फैन ब्रो। जॉनी भाई हेलो, बिग फैन। हेलो जॉनी भाई, हेलो हेलो। आर यू स्ट्रीमिंग ब्रो? आई ऑन चलो भाई देख अपने साथ। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, सब बढ़िया होने यार। तो भाई लोग आज तुम्हारा भाई लेके आया है एक ऐसा गेम प्ले लेके जिसके बारे में आप लोग थंबनेल देख के, इंट्रो देख के और टाइटल देख के बहुत कुछ समझ गए होंगे। हाँ तो आप लोग सही समझे हो, आज मैं खेल रहा हूँ जोनाथन के साथ। क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरा मतलब है जोनाथन के नेम के साथ खेल रहा हूँ। देखो आप में से काफी सारे भाइयों को पता नहीं था कि मैंने जोनाथन का नेम कुछ टाइम के लिए रख लिया था ऐसे ही प्रैंक वगैरह करने के लिए। और सच बताओ मैंने काफी सारे बंदों के साथ प्रैंक किया और काफी सारे रैंडम्स के साथ भी खेला जिन्होंने बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन दिए। तो भाई लोग बहुत जल्दी और भी मजेदार मजेदार गेम प्ले आने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहना। और अब तो तुम्हारा भाई गेम प्ले रेगुलर डालने वाला है। अब बात करें ये वाले गेम प्ले की, तो इसमें भी तुम्हारे भाई का नेम जोनाथन ही था और ये वाले मैच तो मैं अपने टीममेट्स के साथ खेल रहा था। ये वाले मैच में मेरे काफी अच्छे किल हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज ये वाले गेम प्ले डाल देता हूँ, रैंडम्स के साथ बाद में डाल दूंगा। और मैंने सोचा आज मैं सभी से पूछ भी लूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने जोनाथन नेम तो रख ही लिया है लेकिन बंदों के साथ मैं क्या प्रैंक करूं क्या नहीं करूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अब आज तो मैं जोजरो पुल आया था क्योंकि इसनाया से प्लेन पाथ नहीं जा रहा था, नहीं तो मैं इसनाया ही जाता क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी जगह है और वहां पर फाइट करने में भी मजा आता है। लेकिन 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 भाई लोग आज हम लोग करेंगे जोजरो पुल को खाली। आपको क्या लगता है कर पाएंगे जोजरो पुल को खाली? खैर उतरते ही तुम्हारे भाई को मिल गई है ग्लेशियर M4 और अब तुम लोग देखना कैसे मचाता हूं मैं पूरे एरंगल में शोर। जलवा है हमारा भाई, अपना तो नहीं है गाली गोली देते रहा है। देखो यार शुरुआत तो मैंने बोर्ड दादा को मार के कर दी, अब मैं बोर्ड दादाओं के ऊपर अत्याचार करना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं यार आदत से मजबूर हूं। चलो कोई बात नहीं, अभी आसपास ही काफी सारे रियल बंदे हैं तो इनको हम मारेंगे ठीक है। देख रहे हो भाई तुम्हारे भाई ने देसी पौवा पिला के सभी को टल्ली कर दिया। ओ ये बंदे भी चालाक है, सीढ़ों पर आग लगा दी ताकि मैं ऊपर ना जा पाऊँ। कोई बात नहीं कभी तो आग शांत होगी। भाई बंदे ये लो भाई फियर रिवेंज भी लिख के आ गया, लगता है इन्होंने मेरे किसी टीममेट को मारा था। भाई मैं टाइगर बाद में आऊंगा ठीक है, इस गेम के बाद। यार ये तो मैंने गजब मार दिया है ना भाई लोग, सही बोला ना यार। अगर यहाँ पे चार बंदे होते ना, तुम्हारे भाई चारों बंदों को यहाँ से मारता वहां से मारता जंप लेके मारता खड़े होके मारता, इसकी माँ का मजे ही मजे। खैर भाई लोग यहाँ पर अभी और भी बंदे हैं, मुझे किसी की पायलो की आवाज भी आ चुकी है। ये लो भाई इन दोनों बंदों को तुम्हारे भाई ने क्या ही हत्ते लिया देखा। लेकिन यार यहाँ पर ना एक और बंदा है जिसकी मुझे फुर्सत टैप भी आ चुकी है लेकिन अभी मैं उसके ऊपर रस नहीं कर रहा क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम है।
मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। आप लोग इसकी फुर्सत टाइप की आवाज सुन रहे हो ना, रुक जाओ पकड़ते हैं इसको भी। और हाँ, मैं क्या बता रहा था, ये वाली वीडियो में अभी ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं जिनको देखने के बाद तुम लोग भी कहोगे टाइगर भाई ये सीन थे देखने लायक। खैर अभी आ जाओ, ये वाले बंदे को पकड़ते हैं। हेलो, तुम्हारे पास बंदे हैं? ये जो टी गौरव है ना मार रहा है, यही तो बंदा है जो मेरे को मार रहा है। यार भाई तुमने कोशिश तो पूरी करी हमसे बचने की, इससे अच्छा यहाँ से भाग जाती, यहीं पर काहे गुलू गुलू कर रहे थे, अब मारे गए ना। देखो भाई लोग, अब जोजर पुल में कोई भी नहीं बचा था, तो हम लोग वहाँ से निकल के आ जाते हैं अपार्टमेंट स्कूल साइड, क्योंकि यहाँ पर ही बंदे मिलते हैं, आपको तो पता ही है। ये देखो फायरिंग भी आ चुकी है, मतलब यहाँ पर काफी सारे बंदे हैं। और भाई लोग यकीन करो, सबसे खतरनाक वाले सीन यहीं से शुरू होने वाले हैं। अब मैं तो भैया गाड़ी वगैरह लगा के वेब शूटर मार के कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं से मेरे को बंदे बस दिख जाए। और जहाँ पर वो स्विमिंग पूल है वहाँ से मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, मतलब वहाँ पर बंदे हैं। ये देखो, सुना आपने, वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है। लड़कियाँ लेट करती है ना, मेरा दिमाग खटकता है भयंकर। बम्बू फट के लाल से तो कुछ नहीं हुआ, एक काम करता हूँ बैक शूटर मार के जाता हूँ। यार मैनू वाले बंदे को क्या ही नोक दिया पीछे से आके, लेकिन उसका टीममेट भी बड़े सही टाइम पे आ गया। अब अभी मुझे उम्मीद थी कि मैं बच सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक लड़की थी जो मुझे बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी। ये देखो मुझे रिवाइव भी मिल गया, लेकिन देखना तो ये है क्या बच पाऊंगा मैं यहाँ पर, क्या हो पाएगा रिवाइव सक्सेसफुल। अब यार उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है, ये देखो रिवाइव बस होने ही वाला है, हो गया। अरे शॉटगन है। भाई यहाँ पर मेरे बचने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो ही चुके थे, बंदा मेरे को फिनिश करने ही वाला था, लेकिन डिजास्टर के टाइमिंग पे आया है। यार सल्यूट है भाई डिजास्टर को, मजा आ गया। चलो भाई फिलहाल तो मैं रिवाइव हो चुका हूँ, और भाई लोग अब ना यहाँ पर कुछ इंटेंस लेवल के सीन होने वाले हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना। और रिवाइव वगैरह हो के मैं हेल्थ वगैरह लगा ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पता चलता है हमारे आसपास में कोई आ चुका है। तलवार वलवार सब ले ले मुझसे, ले आ जा। अब मुझे समझ आ गया था बंदा वॉल के पास ही कहीं ना कहीं छुप के बैठा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा पीछे से आके देखूं। देखो अपार्टमेंट वाले को बच्चे। भाई बंदे को मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, लेकिन उतने में मेरी टीममेट ने किल चुरा लिया। भाई क्या मतलब मेरे मारने का। और देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लूटा लाटी वगैरह कर ही रहा था, लेकिन उतने में पता चलता है हमारी साइड कोई गाड़ी से आ रहा है। एक और राइट। अब देखो भाई जोन भी आ गया था, तो मैंने सोचा एक काम कर गाड़ी लेके आ जाओ और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और जैसे मुझे सैग वाला बंदा देखेगा मैं उसको स्प्रे मार के मार दूंगा। मुझे पता है कैसे ट्राई करना भाई, वो मेरा काम। और भाई तुम्हारे भाई ने ये वाले बंदे को बड़े आराम से मार दिया। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये वाले स्प्रे कैसा लगा। यार अगर मैं पूछता हूँ तो कमेंट कर दिया करो, क्या होता है कमेंट करने से, पता तो चले मुझे। अब देखो भाई लोग बंदों की तलाश में हम लोग मेंशन साइड आ जाते हैं, और यहाँ पर ये पहाड़ी के ऊपर जो घर बना है, डिजास्टर मेरे से कहता है क्यों ना मैं यहाँ से गाड़ी उड़ा दूं। अब भैया ड्राइवर तो वही था, तो मैंने कहा उड़ा दे यार, उड़ जाए तो उड़ जाती अगर प्रेशर चलाता तो। अब आराम से रख गए बंदे, ठीक है छत पे चढ़ो। हाँ छत पे हैं। Watch out! इसके पीछे चला जाए इसके पीछे। डैडी बोलते बेटे चल कट ले। और भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बड़े आराम से 1v3 क्लच कर दिया। देखो भाई लोग शुरू से लेके अभी तक मैंने आप सभी से लाइक के लिए नहीं बोला था, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है और लाइक का बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो यार, दबा दो मिर्जान, इतना तो बनता है यार। ना यार राइट साइड होते यार, वहां से पूरा एंगल मिलता है। अरे भैंचो फुकी क्यों, बैठ 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 तू बैठ तू बैठ तू बैठ
किल कर लियो, ओपन में मत रुक। सॉरी क्या सॉरी, किल तो मेरे दोनों चुरा लिए। यही मत किया करो बस। सॉरी 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 सॉरी। यार ये गलत टाइम पे स्मोक कर दिया, नहीं तो वो वाले बंदर नॉक हो ही जाता। यार सच सच बताऊं, यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही सबको स्प्रे मार के नॉक कर देता, लेकिन दिक्कत क्या हुई रुको बताता हूं। यार जब भी मैं बंदूक स्प्रे मार रहा था, पता नहीं कैसे मेरा ही मार्क वाला ऑप्शन बीच के बीच खुल जा रहा था और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिस वजह से मैं यहाँ पर मोर्चा नहीं संभाल पाया। खैर कोई बात नहीं यार, चलते रहता है, आज चिकन डिनर नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं काफी सारी मस्ती करते रहता हूँ और जब मैं फ्री हूं, आप लोगों से बातें भी करते रहता हूं, तो आ जाओ वहां पर भी। और हाँ, बहुत जल्दी हमारे रैंडम रिएक्शन के साथ मजेदार मजेदार गेम प्ले आने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहना, ठीक है। तो बस भाई लोग, यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। आज वाली वीडियो में आप सभी को जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।